नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर नगर पालिका निगम द्वारा मानस भवन में शनिवार की शाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन देश भर से आए कवियों ने अपनी शानदार कविता से सभी का मन मोह लिया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में रश्मि चतुर्वेदी आगरा, राम भदावर इटावा, सतीश मधुप मैनपुरी, पंकज अंगा ललितपुर, दिनेश देशी घी शाजापुर, पंकज प्रसून मांडवा, सूरज राय और सूरज जबलपुर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में श्रोताओं ने कवियों की कविताओं का श्रवण किया। कार्यक्रम में प्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नगर पालिका निगम के महापौर जगत बहादुर अनु ने कहा कि निगम की परंपरा रही है कि वो हर क्षेत्र में काम करते रहे हैं, उसी तरात्मे में इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर निगम लोगों के लिए लगातार कार्य करता रहता है, इसी के चलते लोगों के मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन किया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। युद्ध की अंतिम रात है, मंदोदरी रावण से एक निवेदन कर रही है, सुनिएगा। बड़ी संख्या में विराजित है, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं इस संसार में, वो जितने भी व्रत तीज त्योहार उपवास करती हैं, केवल एक संकल्पना से करती हैं कि अपने पति की लंबी उम्र हो। वाह, सोने के महल में रहने वाली वो पटरानी रावण से युद्ध की अंतिम रात में निवेदन कर रही है। क्या निवेदन किया मंदोदरी ने रावण से, सुनिएगा। सीता के लिए दिल में क्यों खोट रख ली, बाबा पतिव्रत में जिसने तिनके की ओट रख ली, सिया के लिए दिल में क्यों खोट रख ली, पतिव्रत में जिसने तिनके की ओट रख ली, था एक रात में मैंने देखा ये सपना, ना कुछ भी बचा ना बचा कोई अपना। अरे तो फिर क्यों संताप करती है, अभी रावण जिंदा है। फिर मंदोदरी ने कहा, लिए सात फेरों के बंधन न तोड़ो, लिए सात फेरों के बंधन न तोड़ो, मुझे मार डालो या अभिमान छोड़ो। क्या कह रहे हैं, मुझे मार डालो या अभिमान छोड़ो, भागन करूं याचना, मैं भी कैसी भागन, है मेरी भिक्षा मरूं मैं सुहागन। जिंदाबाद। ना अनहोनी हो ये समय जाए बीता, ये कह के ही दे दो सीता, रख लो मुझको भी अपनी शरण। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन नगर निगम जबलपुर के द्वारा आज आयोजित है और बड़ी संख्या में लोग यहां पधारे हैं और बड़े कलाकार पूरे देश से, सात कवि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और वो अपनी शानदार प्रस्तुति आज उनके द्वारा, और ये परंपरा रही है नगर निगम की कि हम लोग हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहें, उसी तारतम्य में आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों को दखल रखना चाहिए, काम करना चाहिए। शहर के लोगों का विकास के साथ साथ हमें मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में हमारे अधिकारी कर्मचारी भी जो होते हैं, उनको भी बीच बीच में ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पारंपरिक तरीके से ये चलता भी आया है, आज नगर निगम यह कार्यक्रम करके बहुत प्रसन्नचित है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं और इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में आए हैं और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और निरंतर नगर निगम इसी तरीके से
अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए अन्य अन्य जो कार्यक्रम जो होने चाहिए शहर के अंदर वो शहर में हम लोग करते रहेंगे। सब अपना काम करते हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है, हम सबको आनंद लेना चाहिए इसका। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।